हेलो। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग मीट करने हैं मिस्टर अंकित कुमार से, जो कि एक फ्रीलांसर हैं और वो कोलकाता से बिलोंग्स करते हैं। तो बहुत बहुत आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। अंकित, अपने बारे में थोड़ा सा माय सेल्फ इंट्रोडक्शन दीजिए हमारे ऑडियंस को। नेम इज अंकित कुमार। मैं जी कोलकाता साइंस सिटी से बिलोंग करता हूं अच्छा और अच्छा मैं लगभग लगभग एक साल से फ्रीलांसर में जॉब कर रहा हूं। जॉब कर रहे। अच्छा, फ्रीलांसर एक ऐसी कंपनी है जो जी कि एक बैचलर आदमी को जॉब प्रोवाइड कराती है, जैसे डाटा एंट्री। इसमें मेन काम डाटा एंट्री का होता है अच्छा और फ्रीलांसर जो कि है डाटा एंट्री पर पेज के हिसाब से देती है, अच्छा पर पेज अच्छा के हिसाब से इनकम देती है। और इसमें इसमें कोई भी आदमी अगर जो बैचलर है इसमें जुड़ के काम कर सकता है तो लगभग 14-15 हज़ार नॉर्मली कमा सकता है 3-4 घंटे काम करके। अच्छा और अगर अच्छा इसमें काम लगातार मिले और कोई आदमी अगर इंग्लिश मीडियम से जो पढ़ चुका है ना उसके लिए बहुत ही अच्छा है। अपॉर्चुनिटीज और है। हाँ, उसके लिए बहुत ही अच्छा अच्छा अपॉर्चुनिटी है। वो डायरेक्ट विदेशी क्लाइंट के साथ जुड़ के काम करेगा तो इसमें महीने का 25-30 हज़ार कहीं नहीं जाएगा। कहीं अगर नहीं आप आएगा। हिंदी मीडियम से भी है फिर अच्छा भी अच्छा कोई दिक्कत नहीं, आपका ग्रेजुएशन फाइनल है तो आप इसमें जुड़ सकते हैं। अच्छा तो मतलब कहने का मतलब है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो ओनली जो ग्रेजुएट कैंडिडेट है वही फ्रीलांसिंग कर सकता है ना। जी। मतलब ग्रेजुएट हो या फिर पोस्ट ग्रेजुएट हो, लैपटॉप भी जरूरी हाँ है। हाँ लैपटॉप जरूरी है। लैपटॉप जरूरी है। और मतलब जैसे कुछ जैसे जैसे कहने का मतलब कुछ वेरिफिकेशन वगैरह होता है कि आपको मतलब ये एलिजिबल है या फिर आप डायरेक्ट कोई भी फ्रीलांसिंग कर सकता है, और उसमें प्रोजेक्ट कैसे मिलता है? इसमें प्रोजेक्ट मिलता है जैसे कि कोई भी इंसान इसमें जुड़ सकता है। अच्छा इसका एक अच्छा वेबसाइट आता है freelancer.com पे अच्छा जाकर अच्छा वहां पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन कोई फी नहीं लगता है, फ्री में है बिल्कुल। अच्छा और अच्छा अच्छा उसमें उसमें एक कस्टमर एक आईडी होता है, नंबर होता है, उस नंबर पे आप कॉल करके बता सकते हो। उस नंबर पे आपको खुद कॉल आएगा, जब आप उसको अप्लाई कर दीजिएगा तो वहां से जॉब आएगा और अच्छा वहां से अच्छा कॉल आएगा। उसके बाद बोलेगा आप फ्रीलांसर का हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद, वहां से कॉल आएगा। अच्छा अच्छा और अच्छा कॉल आने के बाद आपको आपको बताया जाएगा कि ऐसे ऐसे आप अपना आईडी ओपन कीजिए। आप अच्छा घर में बैठ के भी वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हैं और कोलकाता में बहुत सारे जगह पे इसका ऑफिस भी है, अच्छा आप वहाँ ऑफिस में भी जाके कर सकते हैं। तो वर्क फ्रॉम होम बेटर है क्योंकि आप अपना कोई बिजनेस हाँ कर रहे थे, बिजनेस के साथ भी इसको संभाल सकते हैं। अच्छा अच्छा बिजनेस आप करते हुए हाँ आप कितने दिनों से ये फ्रीलांसिंग का जॉब कर रहे हैं? मैं फ्रीलांसर का लगभग 10 महीने से कर रहा हूँ, 10-11 महीने दस महीने से। से। तो 10 महीने का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मतलब काम का जैसे जो प्रेशर होता है या फिर नॉर्मल, इसमें कोई प्रेशर वगैरह नहीं होता है नहीं नहीं इसमें प्रेशर खुद? वगैरह कुछ नहीं है, बहुत अच्छा है। अच्छा, और नेट जी वगैरह, ये इंटरनेट वगैरह की जरूरत होती है ना इसमें? जी इंटरनेट 24 घंटे चाहिए। 24 घंटे चाहिए। अच्छा, और जैसे मान लीजिए आपको किसी दिन काम करने का मन नहीं किया, जैसे मान लो कि आप जैसे आप पिकनिक पे जा रहे हो या फिर आपका कोई काम हो गया आप नहीं करना चाहते हो, तो उसमें क्या कुछ ऐसा टारगेट वगैरह होता है कि आपको ना इस डेट के अकॉर्डिंग आपको मतलब करना है, ये टाइम पे फुलफिल करना है, ऐसा कोई प्रोजेक्ट में ऐसा कोई मतलब टाइम का कोई बाउंडेज है या फिर आप अपना मन के अकॉर्डिंग काम करते हैं? नहीं, इसमें कोई ऐसा टारगेट नहीं है। जिस दिन अगर आपको जैसे लग रहा है कि नहीं आज मैं कर नहीं पाऊंगा, हमसे काम नहीं हो पाएगा, तो आज सुबह में आप अपने सर को मेल कर दीजिए। जिस अच्छा जिस अच्छा भी सर के साथ आप जुड़ के काम कर रहे हैं अच्छा वो अच्छा सर को आप मेल करके बोल दीजिए कि सर आज मैं काम नहीं करूंगा। सर आपको डाटा प्रोवाइड नहीं कराएंगे उस दिन। अच्छा उस दिन अच्छा आपका वीक ऑफ, उस दिन सीधा समझिए आपका वीक ऑफ है और उस दिन अच्छा आपको सर डाटा प्रोवाइड नहीं करेंगे। उसके अगले दिन से डेली सुबह में आपको सर मेल भेजेंगे और मेल अच्छा के जरिए वो डाटा आपको प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद टाइम दे देंगे कि इतने बजे तक हमको, शाम 5 बजे, 6 बजे, अच्छा 7 बजे अच्छा तक कंप्लीट चाहिए, उतने बजे तक आप अपने काम करके वापस सर पर को डे डाटा कितना दे। टाइम लगे? मान लो कोई जैसे बंदा जॉब करता है, मान लो किसी भी कोई पार्टिकुलर कंपनी में जॉब कर रहा है, 8 घंटे का शिफ्ट कर रहा है, मान लो मैं ही हूँ जॉब कर रहा हूँ किसी कंपनी में, एमएनसी कंपनी में, अगर मैं चाहता हूँ कि एज अ फ्रीलांसिंग जॉब जो वो पार्ट टाइम जॉब किया जाए, तो क्या मैं कर सकता हूँ या क्या मेरी ऑडियंस कर सकती है? जी बिल्कुल कर सकती है। अच्छा, मतलब पार्ट टाइम कर सकती है, 3 घंटे हाँ चार हाँ घंटा अगर पार्ट वो टाइम भी साइड कर से सकते निकाल हैं ले अपना तो वो कर सकती है। जी। अच्छा अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं नॉर्मली, अगर आपके पास अगर समय नहीं मिलता, 2-3 घंटा भी मिलता है तो आप उतना देर भी कर सकते हैं। वो कोई मतलब इसमें कोई भी प्रेशर नहीं है कि आपको इतना देर ही करना है, 4 घंटा या अच्छा 5 घंटा ही करना है। आप दो हाँ तीन घंटा काट के ना मतलब हफ्ते का, वीक का अच्छा लगभग अच्छा 2000-1500 नॉर्मली कमाल मतलब अगर मान लो मिलेगा। मार्केट पूरा खराब है मान लो, फिर भी एक नॉर्मल बंदा या नॉर्मल कैंडिडेट कितना रुपए अर्न कर सकता है फ्रीलांसिंग से? मंथली तो 12-14 हज़ार तो नॉर्मल ही है। तीन नॉर्मल चार घंटा तो आसान है। हाँ सब लोग घूम घूम फिर के काम करता है तो 3-4 घंटा कर ही लेता है। और अगर इसमें अगर लगातार पेज के हिसाब से अगर काम मिला, पेज जी के जी हिसाब से तो काम मिलता ही, अगर लगातार काम मिला, अगर आप लगातार करने में डेली 8 घंटा अगर आप इस पे दे सकते हैं, 9 घंटा दे सकते हैं, तो आपका 27-28 हज़ार रुपया कहीं नहीं जाएगा। अच्छा और ये एक ऐसी कंपनी है जो कि आपको काम देने से पहले जिस जिस क्लाइंट का काम देती है उससे पेमेंट ले लेती है। तो इसमें अच्छा पेमेंट का कोई झंझट नहीं है। जैसे अच्छा बहुत अच्छा सारे लोग बोलते हैं कि हम डाटा एंट्री कर रहे हैं, मेरा पेमेंट नहीं आ रहा है, अच्छा ऐसा अच्छा कोई भी बात नहीं है। इसमें फ्रीलांसर
फ्रीलांसर के बारे में आप यूट्यूब पर भी सर्च करके देख हाँ सकते हैं, हाँ वो बहुत सही सारे है, बंदा सही, लोग। बहुत सारे फ्रीलांसिंग का तो बहुत सारे साइट्स आते हैं जहाँ पे फ्रीलांसिंग के लिए जिया जाता है। बात सही है, खुद भी मैंने एक जगह अप्लाई किया था तो फ्रीलांसिंग के लिए मेरे वेटिंग में रखा गया। बात सही है तुम्हारा, ठीक है। और एक चीज़ बताइए, इसे मैं इसमें वीकली पे आउट होता है या मंथली पे आउट होता है? नहीं, वीकली पे आउट होता है वीकली पे इसमें। आउट होता है। हाँ, वीकली पे आउट होता है। इससे भी अच्छा एक है रुपटो। रुपटो में आप डेली का पेमेंट ले सकते हैं, जैसे आज आप डेली काम किए उसका अच्छा अच्छा नाइट में मतलब 8 बजे तक आपका पेमेंट आ जाएगा, जितना आपने डेली के काम काम का किया डेली। ना। हाँ, अच्छा, तो इसमें जैसे अगर लैंग्वेज की बात कर लो, जैसे मान लो कि वैसे कलकत्ता में बंगाली चलता है, महाराष्ट्र में मराठी चलता है, ठीक है, या फिर मान लो बाकी सब इंडियन में जो हम लोग हिंदी बोलते हैं, या फिर कुछ कुछ ऐसे कस्टमर्स हैं या कैंडिडेट हैं जो इंग्लिश में ज़्यादा बोलना या फिर समझना पसंद करते हैं, या फिर ग्लोबल लैंग्वेज है, तो किस लैंग्वेज की ज़्यादा डिमांडेबल रहती है, या फिर कौन सा लैंग्वेज ज़्यादा जानने से अच्छा इनकम किया?